ओम शांति आज आपके पचपनवें दिन का बहुत मीठा बहुत शक्तिशाली बहुत पवित्र वरदान और आज परमात्मा हमें शक्तियों से भरते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमें जो शक्तियाँ परमात्मा ने शुरुआत में दी थी कहीं ना कहीं अगर हम उनसे बिछड़ गए हैं उनको भूल चुके हैं तो हम उनसे योग लगा करके मतलब उनकी याद में बैठ कर के उनके संग में रह करके उनकी मीठी यादों में रह करके फिर से वो शक्तियों को भर सकते हैं तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अपनी शक्तियों को और भरते जाएं ताकि हम औरों को भी अपनी ही शक्तियों के द्वारा जो हमारे मानसिक शक्तियां हैं मानसिक बल हैं उसके द्वारा औरों के जीवन में भी उनको प्रकाश दिखाएं, उनको दिशा दिखाएं। तो आइए आज पता करें कौन सी शक्तियां हैं परमात्मा जिसके बारे में बात करते हैं इन शक्तियों को औरों के पास में कैसे फैलाएं तो बाबा कहते हैं शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को किचड़ा मतलब कीचड़ को मतलब कि मैलपन मन के अंदर जो मैलापन है उसको भसम करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भवा तो आज बाबा ने एक हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैं अपने आप को क्या रिस्पेक्ट दूं उसके बारे में कहे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं वे अपने शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं तो जो मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं हैं वो किसी भी शक्तियों के द्वारा उनकी किरणों के द्वारा किसी भी प्रकार के किचड़े को भस्म कर देते हैं तो उसके लिए क्या है कि हमारे अंदर वो शक्तियां होनी जरूरी हैं कहा जाता है कि कुछ शक्तिशाली आत्माओं के आप पास में बैठ ही जाओ तो आपके मन के विचार बिल्कुल धीमे हो जाते हैं आपके अंदर जो नकारात्मक सोच है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है आपके अंदर जैसे पवित्रता की एक भाषण आनी शुरू होती है आती तो कहां से उनसे आती है और फीलिंग हमें होती है तो परमात्मा इसका एक उदाहरण देते हैं इस दुनिया में सूर्य का काम है अब सूर्य क्या करता है सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भसम कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए तो जैसे हम कहते हैं ना कि धूप कमरे तक आनी चाहिए ताकि जो भी बैक्टीरियाज हो कीटाणु हों सब खत्म हो जाए तो सूर्य का वो काम है सूर्य कोई भी गंदगी चीज होती है किचड़ा होता है वायरस होता है उसको मारने की क्षमता रखता है जलाने की क्षमता रखता है भसम करने की क्षमता रखता है तो उसी तरीके से परमात्मा चाहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति मैं अगर मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं तो मेरे अंदर जो ज्ञान है जो विजडम है उसकी शक्ति बहुत कमाल कर सकती है बाबा कहते हैं लेकिन समय पर यूज करना आता हो यानी कि भूल गए उस समय कोई सिचुएशन आई कोई परिस्थिति आई किसी साथी संबंधी के जीवन में कुछ परिस्थिति आए लेकिन आप अगर उसमें भूल जाएँ कि उनको क्या चीज़ की जरूरत है कौन सी शक्ति कौन से ज्ञान ज्ञान मतलब कौन सी विजडम की जरूरत है जो परमात्मा हमें देते हैं उस सिचुएशन को कैसे फेस करना अगर वो हम भूल जाएँ तो फिर वो कोई काम की नहीं रही शक्ति तो हम शक्तिहीन हो गए उस समय शक्तिशाली नहीं कहलाए जाएंगे बाबा कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है लेकिन समय पर यूज़ करना आता हो है ना अगर आपके अंदर सहन करने की शक्ति सामना करने की शक्ति है लेकिन जिस समय सहन करना था उस समय आपने क्या किया सामना किया और आपने कहा नहीं nah, मैं तो सही हूं मैंने कुछ गलती नहीं करी है उस समय अगर आपके अंदर अभिमान अहंकार आ गया तो वो शक्तिशाली स्थिति नहीं होगी उस समय आपको सहन करना कि हाँ मैंने गलती करी तो मैंने सहन कर लिया लेकिन अगर आपने रिप्लाई किया आपने फिर से कुछ बोला रिटर्न में अगर आपने भी ऊंची आवाज़ से रिप्लाई कर दिया तो सहन करने की शक्ति नहीं आएगी तो आप सैंपल और एग्जाम्पल नहीं बने आप वो नहीं बने जो कि औरों को भी वो अपनी किरणों द्वारा शक्तिशाली किरण द्वारा उनको सही दिशा दिखा पाए तो परमात्मा कहते हैं जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भसम करो तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य तो कोई आत्मा अगर गलत भी कह रही हो उस समय अगर आपने चुपचाप शांति से उनको प्यार से समझाया तो आपने धैर्यता की शक्ति दिखाई आपने सहन करने की शक्ति दिखाई आपने निर्णय करने की शक्ति दिखाई आपने विवेकशील होने की शक्ति दिखाई आपने अपने संकल्प को एक सेकेंड में स्टॉप करने की शक्ति दिखाई तो यही किरणों की बात कर रहे हैं परमात्मा लेकिन अगर अगर आप आग बघूले होकर के उत्तर पे उत्तर देने शुरू हो गए या आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करी किसी ने आपको नीचे दिखाया तो आपने भी नीचे दिखाया तो वो शक्तिशाली आत्मा नहीं है परमात्मा की नज़र में आप चाहे दस लोगों की नज़र में आप बहुत ऊंचे बन जाएं कि हाँ देखो इनसे डर के रहना चाहिए तो बॉस हैं तो बड़े हैं इनसे डरोगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे जीवन में इनकी अच्छी गुड बुक्स में रहना है लेकिन जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है लेकिन तरीका समझाने का शक्तियों के द्वारा हो तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर ज्ञान सूर्य कहते हैं किसी के साथ इस ब्यूटीफुल बर्तन के साथ में ओम शांति